गुजरात के चुनावी दंगल में सूरत पूर्व से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। आपका आरोप था कि बीजेपी ने उनके उम्मीदवार का अपहरण कर लिया है, लेकिन अब जरीवाला ने दो टूक कहा कि उन्होंने गुटबाजी के कारण अपना नामांकन वापस लिया है। जरीवाला ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्र विरोधी पार्टी भी बता दिया है। वो आदमी हमारे कैंडिडेट कंचन जी गए कहां थे, उनको कौन ले गया था, जो लोग ले गए थे वो उनको किडनैप करके ले गए थे तो कहाँ रखा उन्होंने किडनैप करके, फिर पुलिस कहाँ से लेके आई उनको और अब कहाँ चले गए वापस, उनको वापस से वो बीजेपी के गुंडे कहाँ लेके गए हैं, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा है। तो एक मिनट, तो हमने उनसे कहा है कि आप थॉरो इंक्वायरी करिए इसकी, साथ साथ तब तक उस पर्टिकुलर सीट पे सूरत ईस्ट पर इलेक्शन प्रोसेस को होल्ड कर दीजिए, और अगर इंक्वायरी में ये सब चीजें पाई जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से गलत कर रही थी तो पूरा रिशेड्यूल करिए वहां के एक सीट के इलेक्शन को, ये हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है। नमस्कार मित्रों, वो कंचनलाल जरीवाला आठी जनाव छु के 159 सूर्व पूर्व विधानसभा माटी आम आदमी पार्टी माटी उम्मेदवारी नोंधावेली हती अने प्रचार कार्य शुरू करी हतुं। मारा प्रचार दरमियान में अमारा विस्तार में नागरिक द्वारा मने वार वार कहेवामां आवतुं हतुं के तमे राष्ट्र विरोधी छो, गुजरात विरोधी छो, पार्टी माथी उमेदवारी करी छे एमां तमने समर्थन अमे आपीशुं नहीं। मारा विस्तार में लोकोनो आवो प्रतिभाव मळता मारो अंतरात्मा ककली उठ्यो हतो अने मैं अंतरात्माना अवाज सांभळी आवी राष्ट्र विरोधी अने गुजरात विरोधी पार्टी माथी चूंटणी ना लड़वानुं मन बनावीने। आम आदमी पार्टी गुजरात में जिस उम्मीदवार के अपहरण का आरोप बीजेपी पर लगा रही थी, डराने धमकाने का आरोप लगा रही थी, थाने में FIR दर्ज करा रही थी, वो न सिर्फ लौट कर वापस आया बल्कि नामांकन भी वापस कर लिया। यही नहीं, उसने आम आदमी पार्टी के इस आरोप को भी सिरे से खारिज कर दिया कि बीजेपी ने डराया है, धमकाया है, नाम वापसी को मजबूर किया है। सूरत ईस्ट से बतौर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेने वाले कंचन जरीवाला ने तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्र विरोधी तक बता दिया। दरअसल सुबह सुबह सूरत ईस्ट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कंचन जरीवाला के अपहरण की आशंका जताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर सवाल उठाए थे। केजरीवाल ने ट्वीट किया था, सूरत ईस्ट से हमारी प्रत्याशी कंचन जरीवाला और उनका परिवार कल से लापता है। पहले बीजेपी ने उनका नामांकन रद्द कराने की कोशिश की, लेकिन उनका नामांकन स्वीकार कर लिया गया। बाद में उन पर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था, क्या उसका अपहरण कर लिया गया है? गुजरात में आम आदमी पार्टी के CM उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी ने कंचन जरीवाला को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। गढ़वी ने ट्वीट किया, बीजेपी आम आदमी पार्टी से इतना डर गई है कि वो गुंडागर्दी पर उतर आई है। कंचन जरीवाल के पीछे बीजेपी पिछले कई दिनों से पड़ी हुई थी और अब वो गायब है। माना जा रहा है कि बीजेपी के गुंडों ने उन्हें अगवा कर लिया है। बीजेपी कितनी गिरेगी? कंचन जरीवाला को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मीडिया में बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। जो पेपर है उनकी स्क्रूटनी कराने गए थे तो वहां पे उन पे नाम वापस लेने का दबाव बनाया गया, आरोप की मौजूदगी में बीजेपी के गुंडों ने खड़े होकर बनाया, और उसके बाद में जब उन्होंने वापस नहीं लिया इतने दबाव में तो बाहर से उसको अपहरण करके ले गए। कल से उनका कोई पता नहीं था कंचन जरीवाल जी का। इससे पहले चुनाव आयोग के दफ्तर पर भी आम आदमी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।